कभी कभी मैं ये विशेष प्यार से कह रहा हूं, नाराज मत हो जाना। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी, थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता है हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते जी। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर लिया। कभी कभी मैं ये विशेष प्यार से कह रहा हूं, नाराज मत हो जाना। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। सुबह होते ही शुरू हो जाते एक पल आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं, इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान देखिए माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको मैंने पर्याप्त प्लीज बैठे प्लीज 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 माननीय अध्यक्ष जी अभी तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी। देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है, आगे क्या कहते हैं देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं पंडित नेहरू जी, आगे कहते हैं अगर 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 अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। उनको ये इंतजार था कि कोरोना वायरस मोदी की छवि को चपेट में ले लेगा। बहुत इंतजार किया और कोरोना ने भी आपके धैर्य की बड़ी कसौटी की है। रंजन जी हो जाते हैं और यहां मैंने देखा हमारे अधीर रंजन जी कह रहे थे क्या रखा है मोदी 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 करते रहे तो है यही कर रहे थे। हाँ सब लोग मोदी 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 बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सुबह सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल आप लोग एक पल मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। मोदी जी का मोदी जी प्रधानमंत्री के मोदी जी का नाम तो करना ही पड़ेगा। एक
बोल रहे हैं ना। मानिए मानिए अध्यक्ष जी, चलो बैठिए। कुछ लोग देश के नौजवानों को, देश के एंटरप्रेनर्स को, देश के वेल्थ क्रिएटर्स को, उनको डराने में आनंद आता है, उनको भयभीत करने में आनंद आता है, उनको गुमराह करने में आनंद आता है। देश का नौजवान उनकी बातें सुन नहीं रहा है, इसके कारण देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा है वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए आपकी इच्छा रहती है ना, मैं पंडित जी का नाम नहीं बोलता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी। मजा लीजिए आज। आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था, तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं, कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है, इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं पंडित नेहरू जी, आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। नेहरू जी तब कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस सरकार आज सत्ता में होती, क्या देश का नसीब है? देश बच गया। लेकिन आज अगर आप होते तो महंगाई कोरोना के खाते में जमा करके झाड़ करके निकल जाते आप लोग। लेकिन हम बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या को महत्वपूर्ण समझ करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। आज दुनिया में अमेरिका और OECD जैसे देशों में महंगाई 7% है, करीब करीब 7%। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हम किसी पर ठीकरा फोड़ करके भाग जाने वालों में से नहीं है, हम ईमानदारी से प्रयास करने वालों में लोग हैं, जिम्मेवारी के साथ देशवासियों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी,
लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाए जाए, क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? भारत जैसे आपको मैं बहुत प्लीज प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अधीर रंजन जी आपको पर्याप्त समय प्राप्त। माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया। कोई भी टोपी पहन लेने की क्या जरूरत है जी? अरे क्यों? लेकिन जब आप खड़े ही हो गए तो अब मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। अब आप खड़े ही हो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूं। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान मौका दूंगा आपको, प्लीज। देखिए माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आपको मैंने पर्याप्त, प्लीज बैठिए, प्लीज 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 प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने सिर्फ इतना का हद कर दी। प्लीज, पहली लहर के दौरान वो मैंने आप देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके, सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने आपने ये बहुत बड़ा पाप किया, महा अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी, दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया, और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसी राजनीति है, मानव जात पर संकट के समय ये कैसी राजनीति है, ये दलगत राजनीति कब तक चलेगी? आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के इस आचरण से
सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश अचंभित है। दो साल से देश 100 साल के सबसे बड़े संकट से मुकाबला जूझ कर रहा है। कुछ लोगों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, देश उसे सोच में पड़ गया है। क्या ये देश आपका नहीं है? क्या ये देश के लोग आपके नहीं हैं? क्या उनके सुख दुख आपके नहीं हैं? इतनी बड़ी संकट आया, कई राजनीतिक दल के नेता जरा आत्मनिरीक्षण करें, कितने राजनीतिक दल के नेता जो जनता के माने हुए नेता अपने आप को मानते हैं, उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट की हो, अपील की हो, भाई कोरोना का एक ऐसा संकट है, वैश्विक महामारी है, आप